यूके में इतने केयर वर्कर्स हैं और उन लोगों की लाइफ में अब एक और बड़ा चैलेंज आ चुका है क्योंकि जो लोग यहाँ पे केयर वर्कर वीजा पे आए थे या सीनियर केयर वर्कर वीजा पे आए थे उनके लिए एक चैलेंज ये है कि यूके गवर्नमेंट ने और स्ट्रिक्ट एक्शन ले लिए हैं और जो लोग यहाँ पे आ चुके हैं उनको ऐसे लेटर मिल रहे हैं कि आपके पास में सिर्फ 60 डेज हैं और आप इस 60 डेज में अपनी कंट्री वापस चले जाओ अब ऐसा क्यों हो रहा है और क्या इसके डिटेल्स हैं आज इस वीडियो में मैं आपके साथ में शेयर करूंगी बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो हम इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो यूके से रिलेटेड कॉन्टेंट शेयर करते हैं ताकि आपकी लाइफ अगर आप यूके में हो या यूके आने का प्लान करो तो थोड़ी सी इजी हो जाए तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब एंड चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो जैसे कि मैंने बताया ये कुछ बहुत गुड न्यूज़ नहीं है है हम काफी टाइम से सुनते यूके गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट हो गई इमिग्रेशन को लेकर स्ट्रिक्ट हो गई है उन्होंने अभी केयर एंड सीनियर केयर वर्कर के साथ में जो डिपेंडेंस आते थे उनको बंद कर दिया उससे पहले उन्होंने इन सब फैमिलीज़ को अलाउ किया और यहाँ पे पिछले दो साल में इतने ज्यादा लोग केयर और सीनियर केयर वर्कर वीजा लेके यहाँ पे आ गए लेकिन उनके साथ में गैम्बल हुआ क्योंकि गैम्बल उनके साथ ये हुआ कि यहाँ पे जो कंपनीज जिन्होंने उनको रिक्रूट किया था उन्होंने पैसे तो उनसे ले लिए बट उनके पास में जब वो यहाँ आते थे तो जॉब्स ही नहीं होती थी उनको शिफ्ट ही नहीं दी अब यहाँ पे आप एक कंट्री में मूव हुए हो जहाँ पे इतनी ज्यादा कॉस्ट ऑफ लिविंग है जहाँ पे इतना पैसा लगता है डे टू तो डे एक्सपेंसिस चलाने के लिए वहां पर अगर आपके पास में बेसिक आपको अपने आर्स नहीं मिल रहे काम करने के लिए तो वो एक बहुत डिफिकल्ट लाइफ हो जाती है और ये बात हम पुरानी वीडियोस में भी बता चुके हैं कि ऐसी लाइफ ना लेने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ कमिंग टू यू के डोंट कम और ऐसा कुछ भी आप ट्रैप में मत फंसो बट अनफॉर्चुनेटली कुछ लोगों ने ऐसे ट्रैप्स में फंस गए और कुछ लोगों ने यहाँ पे जो भी कंपनीज थी जो स्पॉन्सर कर रही थी उनके थ्रू वो यहाँ पे आ गए और आने के बाद में उनको यहाँ पे जॉब भी नहीं मिली और अपने एक्सपेंसेस मैनेज करना भी डिफिकल्ट हो गया कुछ लोग अपनी फैमिली को पूरी पूरी लेके आ गए बच्चों के साथ यहाँ पे मूव हो गए और उनकी लाइफ अब यहाँ पे मिजरेबल हो गई क्योंकि यूके गवर्नमेंट ने उनको लेटर भेजना स्टार्ट कर दिया है कि आपके पास में सिर्फ सिक्सटी डेज है और अब आपको अपना बैग पैक करके आपको अपनी कंट्री वापस जाना पड़ेगा क्योंकि अब आपके जो भी आपकी कंपनी जिससे आपने स्पॉन्सरशिप लिया था उनके पास में लाइसेंस नहीं है तो आप ये कंटिन्यू नहीं कर सकते हो आप इस कंट्री में ना कंटिन्यू नहीं कर सकते हो इसके ऊपर एक डिटेल रिपोर्ट है चलो मैं आपको दिखाती हूँ ताकि आपको भी समझ आए कि ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है और ये सच इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ सो so, जैसे कि आप देख सकते हो ये रिपोर्ट एक यहाँ के बहुत ही अच्छे न्यूज जो कि जो गार्जियन है वहां पर पब्लिश करी गई है और उन्होंने क्लियरली बताया है कि इट रिवील द थाउजेंड ऑफ इनोसेंट एंड बैंड माइग्रेंट केयर वर्कर आर टोल टू लीव द यूके तो उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया है कि थाउजेंड ऑफ माइग्रेंट केयर वर्कर्स हु हैव बीन थ्रेटन विद डेपुटेशन डिस्पाइट बीइंग डूंग नथिंग रॉन्ग उनकी बेसिकली कुछ गलती नहीं है बट उनको ये लेटर मिल गए हैं इनकेस

उन्होंने पैसा सारा बोरो किया अपने रिलेटिव से कि वो अपने यहाँ पे कॉस्ट मूव कर सके बट जब वो यहाँ पे आए तो उनको यहाँ पे कोई भी चीज मटेरियलाइज होती हुई नहीं दिखी उनकी ना ही जॉब्स मिली ना ही उनको कोई भी Uh, काम मिला ना ही उनको जो घंटे प्रॉमिस किए गए थे वो मिले ना ही उनको पैसे मिले तो होम ऑफिस ने पहले तो ऐसी दे दिए स्पॉन्सरशिप देने के राइट्स लेकिन उसके बाद में उन्होंने होम ऑफिस ने उनके वो लाइसेंस uh, रिवोक कर लिए कि उस कंपनी के पास में अब लाइसेंस ही नहीं है आपको रखने के लिए और इस रीजन से उनको ये लेटर मिला यूके गवर्नमेंट की तरफ से कि अब आपके पास में सिर्फ सिक्सटी डेज हैं जिसमें आप जा सकते हैं और इसमें उन्होंने बताया उनकी बहुत ही बैड स्टोरी की उनका एक बच्चा भी है दो साल का वो महाराष्ट्र इंडिया से यहाँ पे मूव हुए थे बट अब बेसिकली देखा जाए तो उनकी लाइफ में कुछ रहा नहीं है क्योंकि उन्होंने इतना लोन लिया वो यहाँ पे आए यहाँ पे वो आए थे इस मोटो से कि वो पैसा कमाएंगे बट वो वो भी नहीं कमा पाए और यहाँ पे ये भी इन्होंने बहुत अच्छे से बताया है कि नाइनटी फोर परसेंट ऑफ द केस द रीजन ऑफ कैंसिलेशन वॉज दैट द कंपनी दैट देम हैज इट्स राइट टू स्पॉन्सरशिप रिवोक तो बेसिकली 94 परसेंट केसेस में जो लोगों को ये लेटर्स गए हैं उसमें ये ही रीजन है कि जो कंपनी खोली गई थी स्पॉन्सरशिप देने के लिए अब वो कंपनी को बंद कर दिया गया है उनका लाइसेंस रिवोक कर दिया गया है होम ऑफिस के थ्रू तो अब जितने भी लोग उनके अंडर हैं उन सबको यहां से जाना पड़ेगा अब यहां पे उन्होंने ये भी बताया है कि 3081 केयर वर्कर्स थे जिनको सीओएस मिला है पिछले दो साल में 2020 और 2023 में विच इज अज नंबर तो ये हजार प्लस लोगों को इफेक्ट करने वाला है और और भी कई दी दिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एक नाइजीरियन लेडी के बारे में बताया है जो कि यहाँ पे केयर वर्कर वीजा के पे आई थी और उनके साथ में भी वही सेम चीज हो गई फिर उन्होंने एक और के बारे में बताया तो ये सब उन्होंने स्टोरी एक्सप्लेन करी है कि कैसे लोगों को बिना उनकी गलती से मतलब यहाँ पे देखा जाए तो इन लोगों की तो कोई गलती नहीं है बट इनको बेवकूफ बनाया गया एक तरीके से कि भाई आपको यहाँ पे जॉब मिल रही है आपको यूके की लाइफ मिल रही है चलो जी आप यूके जा सकते हो आप अपनी फैमिली को लेकर जा सकते हो आप मूव कर सकते हो बट वो तो सही रूट से आए थे उन्होंने चाहे पैसे दे के भी आए थे लेकिन आए तो वो एक कंपनी के थ्रू थे जिसके पास स्पॉन्सरशिप के राइट्स थे एंड वैलिड राइट्स थे लेकिन अब जब यूके गवर्नमेंट ने ये स्टेप ले लिया है कि उनके राइट्स रिवोक कर दिए तो यहाँ पे कंसिडरेशन भी देना चाहिए कि जो लोग यहाँ पे ऑलरेडी आ चुके हैं उनका क्या होना चाहिए ऐसा तो नहीं है कि एकदम से आप उनको बोल दो कि आप भाई अब कंट्री छोड़ के चले जाओ फॉर अ कपल और फॉर अपना सारा पैसा लगा के आए जो अपनी कंट्री से लोन लेके यहाँ पे आए हैं और उसके बाद में उनको अगर ऐसा लेटर आ जाता है तो ये बहुत ही एकदम दर्द वाली कहानी मतलब हो गई है उन लोगों के साथ में एंड वी आर वेरी सॉरी फॉर दिस गाइज बट लेकिन अब क्या कर सकते हैं तो इसमें इन्होंने कुछ कुछ बताया भी है कि बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन उठाए हैं जैसे की यहाँ पे जो कम्युनिटी एक्टिविस्ट हैं उन्होंने भी गवर्नमेंट को बोला है कि ये सिक्सटी डे रूल को आपको अवॉइड करना चाहिए आप इस रूल को नहीं रख सकते हो क्योंकि लोग जो हैं यहाँ पे उनके पास में अपनी वापस जाने तक की फ्लाइट के पैसे नहीं होंगे क्योंकि अगर आप देखो यूके से इंडिया अगर किसी को वापस जाना है और अगर अपनी फैमिली के साथ वापस जाना है तो उसको कम से कम तीन चार लाख रुपए तो सिर्फ फ्लाइट में लग जाएंगे तो वो अपनी कंट्री वापस कैसे जाएंगे जब उन्होंने कुछ कमाया ही नहीं इस कंट्री में आके वो अपने एक्सपेंसिस भी मैनेज नहीं कर पा रहे वो यहां पे भी डेट में अपनी कंट्री में भी डेट में तो आप लोगों के साथ बहुत गलत कर रहे हो ऐसे क्वेश्चन को रेस कर रहे हैं बट अब यूके गवर्नमेंट आगे क्या करेगी वो उसका हमें कोई आइडिया नहीं है एंड इन्होंने भी दिखा है कि गवर्नमेंट हैज बीन ऑफ ऑफ ड्रामेटिकली फेलिंग इन द वेटिंग प्रोसेस कंपनीज ग्रांटिंग है तो ये कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की गलती दिखाई जा रही है और ये फैक्ट है अगर आप देखो कि स्पॉन्सरशिप अगर आपने किसी को लाइसेंस दिया है तो आप इतनी जल्दी उसको रिवोक कैसे कर सकते हो और अगर आप रिवोक कर भी रहे हो तो आपको उन इंप्लॉयज का तो ध्यान रखना ही चाहिए जो कि उस कंपनी में लेजिडली सही तरीके से आए थे और उनको कुछ समय देना चाहिए या फिर उनको कुछ जॉब अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए आज की मार्केट यूके की इतनी इजी नहीं है कि स्पॉन्सरशिप मिल जाएगी आज कुछ साल पहले बहुत इजी था जब लोग यहाँ पे इतने ज्यादा नहीं थे तो स्पॉन्सरशिप भी इजिली मिल जाती थी लेकिन आज क्योंकि यहाँ पे लोग इतने ज्यादा हो चुके हैं यहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इतने ज्यादा हो चुके हैं कि स्पॉन्सरशिप जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट हो चुका है चाहे वो एक्सपीरियंस रोल पे हो चाहे वो ग्रेजुएट रोल पे हो चाहे वो आपके पास में एक्सपीरियंस ना हो या ना हो उससे मैटर नहीं कर रहा है येस yes, एक्सपीरियंस होता है तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाता है अगर आपके पास नीच होती है या आप टेक्निकल होते हो या किसी चीज की आपके पास एक्सपर्टीज है तो आपको स्पॉन्सरशिप मिलना ईजी हो जाता है लेकिन अब जब इस कंट्री में हो जहां पर आप केयर वर्कर वीजा पे आए थे आपके पास में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं हुआ आपने काम ही नहीं किया तो अब आप आपको वो वीजा कैसे मिलेगा या दूसरी कंपनीज भी कैसे स्पॉन्सर करेंगी तो ये सब जो है यूके गवर्नमेंट को किया जा रहा है और यहाँ पे यह सारी But, कि कि ये सारी बातें एक्सप्लेन करी अगर गवर्नमेंट भी ऐसा कर रही है पहले तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने ट्राई किया ओपन कि करी अपॉर्चुनिटीज क्योंकि यहाँ पे लोगों की जरूरत थी विच वॉज वेरी गुड लोगों ने ट्राई किया आने का अब कुछ लोगों को साथ ये गलती हो गई कि वो ट्रैप में फंस गए ट्रैप में फंसने के बाद में आपने लोगों को पैसे दे दिए कुछ कुछ लोग बीस बीस पच्चीस पच्चीस लाख रुपए दे के यहाँ पे पहुंचे पहुंचने के बाद पता लगा भाई जॉब ही नहीं है तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो चुकी है एंड वी आर रियली सॉरी फॉर ऑल द फैमिलीज जो भी इसके थ्रू जा रही है बट अब क्वेश्चन आता है और आपका भी दिमाग में ये आ रहा होगा कि अब हम करे तो करें क्या ये तो चल रहा है ये तो गवर्नमेंट की न्यूज एंड अपडेट्स है तो हमें ऐसा लगता है ये सिर्फ हमारा पर्सनल थॉट है कि अगर आप ऑलरेडी यहाँ पे हो ऑन केयर एंड सीनर केयर वर्कर वीजा तो मेक श्योर की जिस कंपनी से आप अलाइंट हो आप उनको चेक करते रहो ऐसा नहीं है कि आप आप बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ हो उन्होंने आपको शिफ्ट नहीं दी है वो आगे क्या करने का उनका प्लान है उनसे आप बातचीत कंटिन्यू करते रहो अगर वो आपको काम दे रहे हैं आपसे काम ले रहे हैं आपको पैसे प्रॉपर मिल रहे हैं तब तो कोई घबराने की बात नहीं है और अगर उनके पास में और भी इम्प्लॉयज हैं जैसे कि अगर उनके पास में अच्छे खासे नंबर ऑफ हैं तो होम ऑफिस उनका जो लाइसेंस है वो नहीं रिवोक करेगी ये उन कंपनीज का लाइसेंस रिवोक कर रहा है जो एक्चुअली में सिर्फ लोगों को यहाँ पे उन्होंने बुला लिया है टेम्प्रेरी बुला बना के और यहाँ पे लोगों को काम नहीं दे रही है एक्चुअली वो लोग यहाँ पे आके काम नहीं कर पा रहे तो ये ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि आपकी जो कंपनी आप जिससे अटैच हो उसको ट्राई करो कि आप फॉलोअप लेते रहो उनका स्टेटस चेक करते रहो कि क्या चल रहा है क्या उन वो आपको अगले चार महीने में कैसी शिफ्ट देने वाले हैं उसके आगे उनका क्या प्लान है एंड ऑल दैट तो ये थोड़े से क्वेश्चंस आपको अपनी कंपनी को उठाने पड़ेंगे आई नो इट इज अ वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन कि आप ऐसे क्वेश्चन अपने इंप्लॉयर से नहीं उठा सकते बट इट इज नो हार्म कि आप किसी से ऐसा नहीं पूछ सकते ऐसा बिल्कुल भी नहीं है आप जाके उनसे पूछ सकते हो आप मेक मेकश्योर sure करो कि आपका जो भी रोल है जो है वो आगे इन फ्यूचर वो कंपनी भी चलने वाली है कि नहीं है अगर वो कंपनी को ऐसा कोई भी थ्रेट लग रहा है कि उनका स्पॉन्सरशिप जाना वाला है तो मेक श्योर की वो आपको पहले से बता दे ताकि आपके पास में और टाइम हो सिक्सटी डेज में आपको कोई स्पॉन्सरशिप जॉब नहीं मिल जाएगी लेकिन अगर आप थोड़ा सा आ, क, आपके पास टाइम ज्यादा होगा तो क्या पता आपके पास ऑप्शन दूसरे खुल जाए तीसरा एंड वेरी इंपॉर्टेंट बात कि आप अपनी जॉब के अलावा भी थोड़ी सी नेटवर्किंग करो और थोड़ी सी स्किल्स लेने की कोशिश करो बेशक आप पार्ट टाइम जॉब्स कर लो बेशक आप जो यहाँ पे और जॉब्स हैं उन मार्केट को भी एक्सप्लोर करो क्योंकि अभी आपके पास टाइम है ऐसा नहीं है कि आपका वीजा रिवोक हो गया है या आपकी कंपनी का वीजा रिवोक हो गया तो जब तक आपके फुल टाइम

अब जो लोग यहाँ पे आने का प्लान कर रहे हैं सीनियर केयर या केयर वर्कर वीजा पे उनको तो मैं अभी यही सजेस्ट करूंगी कि फॉर द टाइमिंग आप रुक जाओ जब तक आपके पास में कुछ भी ऐसा लेजिड नहीं है या फिर आपके पास में अगर इंडिया में या आप दूसरी कंट्री में जहाँ पे भी हो वहां पे अच्छी जॉब चल रही है तो इस वीजा को एट मोमेंट टारगेट करो क्योंकि ये वीजा गवर्नमेंट की भी एकदम टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में है गाइज आई नो मैं यहाँ पे नेगेटिव आपको फीलिंग नहीं देना चाहती थी या नेगेटिव मैं बिल्कुल नहीं बोलना चाह रही हूँ बट मैं आपको यहाँ पे सच बता रही हूँ आई नो आपको बहुत बुरा लग रहा होगा कि मैं आपको ऐसा मना कर रही हूं कि आप मत आओ मैं ऐसा बिल्कुल मना नहीं कर रही हूं मैं बस ये बोल रही हूँ कि जो भी एक्शन आप ले रहे हो जो भी स्टेप ले रहे हो अपनी लाइफ में सिर्फ वीजा से रिलेटेड नहीं हर चीज से रिलेटेड आप मेक श्योर करो कि आप डबल चेक करो क्योंकि ये एक गैम्बल है और अगर आप इस ट्रैप में फंस जाते हो तो ये आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो सकता है तो गाइज विल कम सून टिल देन टेक केयर बाय